आपको मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मोदी जी का मॉडल नहीं लाओगे। चाय वाला था वो तो भी चांद पे ले गया, वो समोसे वाले ले लो आप, वो चांद पाकिस्तान का ऐसे हालात चल रहे हैं, अगर वो इंडिया का भी वीजा मिलता ना वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर वाले मुल्क जाना चाहते हैं। अब हुआ यूं है कि भारत अपनी एयरफोर्स और अपनी आर्मी जो है वो भेज रहा है इजिप्ट, और कार्टून सीरियल जैसा। ये लाल टोपे वाले को मैं कार्टून सीरियल और एंटरटेनमेंट के अलावा मैं कुछ नहीं समझती हूँ, कुछ भी नहीं समझती हूँ। बीच में उसको बड़ी खुजली मची थी और हाथ बड़ा हिला हिला करके कह रहा था कि हिंदुस्तान की सेना जो है वो जमीन के नीचे से आ जाएगी, आसमान के ऊपर से आ जाएगी, बादलों को चीरते हुए आ जाएगी, ये लोग फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। ये वहाँ पे तकरीबन 27 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेंगे, और करना क्या है कि बेसिकली ये एक जॉइंट कैपेबिलिटी को नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत और इजिप्ट की एयरफोर्स ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही है, जिसे देख करके पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं, क्योंकि भारत और अरब मुल्कों का बस एक ही रास्ता है कि आतंकवाद को पूरी तरीका से ख़त्म करना है, जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लगने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का समर्थन करता है। यही कारण कि भारत की एयरफोर्स जहाँ भी एक्सरसाइज करती है वहाँ पर पाकिस्तानियों को मिर्ची लगनी तय है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने हमेशा से सारा पैसा आतंकवाद पर ही खर्च कर दिया और उसकी आवाम दो वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर निकल रही है। सर इन लोगों ने तो सर यहाँ पे आप जानते होंगे कि जैद हामिद साहब ने तो ये तक कहा कि तो बच्चों की जो वीडियो गेम होती ग्राफिक वो निकाल के दिखाई है, तो गए कोई नहीं है। वो इतना मजाक उड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका, मैं और सामने जो बैठे थे सर डॉक्टर बासे जो वहां पे हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में, अम्बेसडर साहब, बिल्कुल इतना मजाक उड़ा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका, आप सोच नहीं सकते। पता नहीं कैसे लोग इस तरह के, और डॉक्टर बासल चले और दूसरे हजरात को, मैं तो इतना मैंने नहीं सुना उनको, लेकिन ये कि उनके बारे में भी कंट्रोवर्सीज हैं, कई उनके पहले भी बयान कंट्रोवर्सी वाले हैं, लेकिन डॉक्टर बासल साहब पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी ऐसे शख्स के सामने बैठ के हंसेंगे और भारत का ये इस तरह मजाक उड़ाएंगे। खुदा रहा ये जिस तरह वो पहले कहते हैं जी हमें तो चांद की जरूरत नहीं, हमारे तो झंडे पे चांद है, यार कैसी बातें कि तरक्की होते देख के मुंह दूसरी तरफ कर लेने से दूसरे की तरक्की रुक जाएगी। मेरे जैसे बंदे पे क्रिटिसाइज कर दो, मैं तो ये कहता हूं कॉपी करो उनको यार, और मैं कहता हूं ठीक है तुम्हें इतनी ज्यादा नफरत है उनके साथ, बांग्लादेश की कॉपी कर लो यार, बांग्लादेश की कॉपी कर लो, लेकिन चाइना जाते हो कैसे मांगे तो तालिबान की, सर तालिबान की कॉपी करते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन पता नहीं फिर क्या बात है नफरतों में इतना, और पता नहीं क्या है इनको, मेरी समझ से बाहर है कि अभी ये किधर जाएंगे, क्या डायरेक्शन है इनकी। अगली जो आज बात सबसे ज्यादा उड़ी भी है कि हमारे एक रॉयल जो ब्रिटिश जज हैं उन्होंने कहा था कि मुझे रिपोर्ट पेश की जाए अमीरुल मोमिनीन को खाने में क्या क्या दिया जा रहा है। मैं तो हैरान हो गया हूँ यार, ये कैदी के साथ ये सलूक हो रहा है, और यार 25 करोड़ लोगों को पकड़े जेल में दे दो यार, अगर कैद में देना है इस तरह मौसमी फल दिए जा रहे हैं, 25 डाइजेस्ट का रसाले दिए हैं, 21 इंच की स्क्रीन का टीवी दे दिया है, 5 डॉक्टर 24/7 है वहां, एयर कूलर लगा है, 4 तकिए हैं, मैट्रेस है, देसी घी में भुना देसी मुर्गी दी जा रही है, देसी घी में बकरे का टांग उनको दी जा रही है, और फिर नौकर दिए जो कपड़े धोकर इस्त्री करके दे रहे हैं, वो खुदा का नाम और सर उनके जो लॉयर है वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान 1000 साल जेल में रहने को तैयार है। भाई वो मैं कहता हूँ 2000 साल रह रहे हैं, 1000 तो कम है, वो तो हॉलीडे इन में रह रहे हैं, बल्कि हॉलीडे इन के अंदर तो लॉन्ड्री नहीं होती, तो नौकर ये तो दबाने के लिए इनको तो चैंपी मालिश करने के लिए भी नौकर दिए होंगे, खुदा का नाम लो। मैं हैरान हूं यार, ये वही बंदा है जेल में, यहां कह के गया था वॉशिंगटन डीसी में मैं आई विटनेस हूं, उनका मैं जाते ही इसका ऐसी उतार दूंगा, देखूंगा ये, मेरी समझ से बाहर है कि क्या ये पाकिस्तान के अंदर क्या ड्रामा हो। लेकिन वैसे ही स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे ये नहीं बचेंगे। अभी तक जो है वो रिश्वत का बाजार गर्म है, अभी तक डॉलर के साथ बढ़ती जाती है रिश्वत के रेट, बढ़ते जाते हैं। आज डॉलर आपका हाथ में सुना है 200
317-320 पर है और पाउंड 400 रुपए में पहुंच गया, क्योंकि रिश्वत लेने वालों के बच्चे लंदन में बैठे हैं, शॉपिंग करनी होती है, वो पाकिस्तानी रुपयों में पैसे नहीं लेते, वो लेते हैं पाउंडों और डॉलरों में। तो जब जब डॉलर और पाउंड बढ़ता है, रिश्वत का रेट भी उसी हिसाब से बढ़ता है। तो लिंकी, बेसिकली अगर मैं एकदम रॉ लैंग्वेज में, बिकॉज एवरीवन नोस के नाजिया इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बहुत मुंहफट हूं, तो इनकी फटती है हिंदुस्तान से, बिल्कुल फट जाती है इनकी हिंदुस्तान से। देखिए, अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो ये लाल टोपी वाला, पीला टोपी वाला, हरा टोपी वाला, ये लोग अगर अपनी गली में बैठ करके भौं-भौं करता है, तो इससे हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस लाल टोपी वाले के सामने हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसी, ब्यूरोक्रेट, आर्मी ऑफिसर्स, ये सब छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। अगर अकेले मैं बैठ जाऊं ना, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 सवाल अगर मैं कर दूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैर में पेशाब कर देगा ये लाल टोपी वाला। तो आप यहाँ पर चैलेंज करें ना उसे। बिल्कुल, ओपन चैलेंज कर रही हूँ, ओपन चैलेंज। और ये लाल टोपी वाला, आपको पता है, कभी भी हमारे इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बैठता है, कभी नहीं, क्योंकि इसको पता है। और कई लोग जब बैठते हैं ना यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो मैं तो छट्टी का दूध याद दिला देती हूँ, औकात याद दिला देती हूँ, कि ये पाकिस्तान की जो सरकार है, गधेड़ों का जो कारोबार करती है, और अपनी गली में कुत्ते की तरह भौंकती है, और बाहर जब जाती है तो इनके पासपोर्ट पर थूक दिया जाता है। बाहर विदेशी मुल्क जो है इनके पासपोर्ट पर थूक देते हैं, विदेशी मुल्क जो है इस पूरी दुनिया के इनके पासपोर्ट को बैन कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को हाथ पकड़ करके निकाल रहे हैं कि हमारे यहाँ सुकून चाहिए, हमारे देश में बेचैनी नहीं चाहिए, और ऐसे आतंकवादी नहीं चाहिए, तब इनके हलक से ना कोई बोली नहीं निकलती है। जब चाइना में मस्जिदों को तोड़ करके, जो पाकिस्तान का आका है, मस्जिदों को तोड़ करके जब टॉयलेट बनाया जाता है, तब ये पाकिस्तान की सरकार और ये लाल टोपी वाले कभी नहीं कहते कि भाई हमारी मस्जिद को तोड़ करके बाथरूम क्यों बनाया, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। देखिए, अगर मैं ये लाल टोपी वाले से सिर्फ इतना पूछ लूं कि भैया तू मुझे प्रूफ दे दे कि बेनजीर भुट्टो पर गोली किसने चलाई थी, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशन, और इसमें मल्टी डोमेन या मल्टी लेटरल एक्सरसाइजेस करनी है, ये है प्राइमरी पर्पस। ये सारे जो पर्पस सामने लिखे हुए ना, इनमें से कुछ भी नहीं होना। होना क्या, होना ये है कि वो सिंक करना चाहते हैं इंडिया को अरब वर्ल्ड के साथ, और वो फॉल्ट लाइंस ढूंढ रहे हैं कि किधर किधर पाकिस्तान के इजिप्ट के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और ये माजी की बातें हैं, स्टार्टिंग बैक इन सीटो सेंटो, अगर आप चले जाएं उस ज़माने में जब अमेरिका अलायंस बना रहा था, एंटी सोवियत अलायंसेस, और पाकिस्तान जो है वो एक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसका भी मेम्बर था, और बहुत सारी जब अमेरिका इजिप्ट जो थे वो लार्जली एक उसका झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ भी था, तो पाकिस्तान जो है उसकी उसको उसकी जो झुकाव था वो अमेरिका की तरफ था। तो मुझे याद है कि आई थिंक मैंने एक किताब में पढ़ा था कि इजिप्ट ने कहा कि हमें मजाक किया करते थे इजिप्शियन लीडर, ठीक है, और इजिप्शियन लीडर हमारा क्या मजाक उड़ाया करते थे वो, क्योंकि पाकिस्तान हर जगह कहता था कि जी इस्लाम पाकिस्तान विल बी वो क्या कहते हैं वो होगी लेबोरेटरी होगी इस्लाम की, पाकिस्तान विल बी लेबोरेटरी फॉर इस्लाम इन द मुस्लिम वर्ल्ड, और जुल्फकार अली भुट्टो को, इनको बड़ा शौक था इन चीज़ों को करने का। तो इजिप्शियन को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इजिप्ट इटसेल्फ एक बड़ा पावरफुल मुल्क माजी में रहा है, और इसकी हिस्ट्री और इसराइल एंड ऑल दैट, वो चीज़ें हर साथ चेंज हो गई। लेकिन आई थिंक जब हमने सेंटो ज्वाइन किया, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, एक अलायंस हमने ज्वाइन किया, तो इन्होंने कहा था कि आई थिंक रेडियो कायरो ने कहा था दैट पाकिस्तान हैज स्टैब्ड अस इन द बैक। ये तब से बातें चली आ रही हैं, और पाकिस्तान के इजिप्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात ना होने की वजह ये भी थी कि वहाँ जो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जो वहाँ की मिलिट्री सलूक करती है, तो पाकिस्तान में क्योंकि ज़ियाउल हक या इस्लामिक ताकतों का बड़ा असर रसूख रहा है, तो हम हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मुस्लिम उम्मा के दोस्त भी भारत के काफ़ी ज़्यादा फैन हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अपने मुस्लिम उम्मा को
कहता था कि वो कश्मीर दिलाकर रहेंगे, लेकिन अब वो पाकिस्तान को लात मार करके भारत की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं रखा है, पाकिस्तान तो केवल बातों के लिए ही बना है। दूसरी तरफ जैसे ही भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करता है, वैसे ही पाकिस्तानियों के जाहिल कॉमेंट आने लगते हैं। उनमें से सबसे बड़ा जाहिल लाल टोपी ने जिस तरह से कॉमेंट किया था कि चंद्रयान के चांद पर लैंड करने का कोई सबूत नहीं है, उसको दुनिया में मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान की दुनिया में जग हसाई हो रही है, जिस पर खुद पाकिस्तानी लाल टोपी को इस वक्त जम करके धो रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि यदि भारत की तरह तरक्की करनी है तो लाल टोपी जैसे जिहादियों को जेल में डालना होगा और मोदी मॉडल को फॉलो करना होगा, इससे ही पाकिस्तान का भला हो सकता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।